हेलो स्टूडेंट्स। तो यार ये कॉलेज है हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल यूनिवर्सिटी, जो कि उत्तराखंड में है। इसका कैंपसेस काफी सारे हैं, श्रीनगर में भी है, राइट? एंड जस्ट लाइक श्रीनगर उत्तराखंड, आप मान सकते हो, मतलब उत्तराखंड में ही है, श्रीनगर के थोड़ा सा पास में। एंड आपका हिमाचल में भी कैंपस है। यहाँ पे जो है इसका सबसे अच्छा ज्यादा करियर जो आ रहा है बच्चों का, स्पेशली यहाँ पे फार्मेसी भी है, यहाँ पे आपको इंजीनियरिंग भी मिलता है, यहाँ पे आपको अदर कोर्सेज भी मिलता है, बीबीए, बीएड, जस्ट लाइक इंटीग्रेटेड कोर्सेस एंड मेनी मेनी कोर्सेस। बहुत ही ज्यादा क्वारीज यार इस कॉलेज के रिगार्डिंग, सीटें काफी सारी है, अप्लीकेंट्स भी बहुत ज्यादा है, बहुत ही पुराना कॉलेज है और एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। उत्तराखंड वाले बच्चे काफी ज्यादा इंटरेस्टेड है इस कॉलेज के लिए। तो यार क्या प्रोसेस है इस कॉलेज में एडमिशन का, और भैया मेरिट लिस्ट कब आ रही है इस कॉलेज की? तो रजिस्ट्रेशन कम्प्लीट हुए काफी दिन हो चुके हैं, तो क्या सारा सीन है, कब जो है इसका रजिस्ट्रेशन आ रहा है मेरिट लिस्ट? जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो, काउंसलिंग इन्फॉर्म स्लेस मेरिट लिस्ट का, जो जिसमें आप अगर जाते हैं तो क्या सुनाई देता है हमको। एंड यार बहुत सारे पेरेंट्स की, बच्चों की क्वारी आती है कि भैया हमारा एडमिशन कितनी रैंक तक हो जाएगा, और यार यहाँ पे स्पोर्ट राउंड एडमिशन भी होते हैं, आपकी जानकारी के लिए बता दें हम, ठीक है? तो यहाँ पे काउंसलिंग से रिलेटेड वगैरह वगैरह तो कोई भी अपडेट यहाँ पे नहीं दिया गया। देख सकते हो यहाँ पे अप्रैल को नोटिस आया, अप्रैल के बाद यहाँ पे कोई भी नोटिस नहीं रिलीज किया गया। अब यहाँ पे आपको जस्ट लाइक ऑप्शन दिख रहा होगा ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म का, राइट? तो प्यारे बच्चों, ये जस्ट जो गढ़वाल यूनिवर्सिटी, यार अगर अपन इस यूनिवर्सिटी की बात करें तो वैसे तो काफी पुराना कॉलेज है, काफी ज्यादा ट्रस्टेड है, ठीक है? ऐसे कॉलेजों में प्लेसमेंट वाला वो माहौल तो नहीं होता है, ठीक है? लेकिन जस्ट अगर अपन कॉलेजों के कंडीशन की बात करें तो यार वो काफी अच्छा होता है। यहाँ पे देखो डेट एक्सटेंशन नोटिस आया है हेमवती गढ़वाल यूनिवर्सिटी की तरफ से, इसमें क्या लिखा गया है वो आप लोग देख सकते हो। द लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन दिस 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 इज 30 सितंबर, ठीक है? 30 सितंबर तक एक्सटेंड कर दिया गया था, हालांकि इसको पहले थोड़ा कम था, 26 तारीख था। अब बच्चों की ये क्वारी आ रही कि भैया जो इसका जो मेरिट लिस्ट है, इसके जो कट ऑफ लिस्ट है, इसकी जो सिलेक्शन लिस्ट है, वो कब रिलीज की जाएगी? हालांकि यार आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जस्ट ये जो 3 अक्टूबर है, बहुत सारे कोर्सेज का जो लास्ट डेट था यार, ये इसके अंदर कोर्सेज भी काफी सारे हैं, कैंपस भी काफी सारे हैं, तो यार इनके लिए थोड़ा सा उनको एडजस्ट कर पाना, ठीक है, कट ऑफ डिक्लेयर कर पाना, उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है। हालांकि आपकी जानकारी के लिए बता दें कि टिल 8 तारीख तक आपको वेट करना है, 8 तारीख तक ऑलमोस्ट आपको बता दिया जाएगा। आप एक मोस्टली क्वेश्चन ये आता है यार, बहुत सारे पेरेंट्स स्टूडेंट परेशान है रिगार्डिंग द एडमिशन प्रोसेस, कि भैया हमारा एडमिशन होगा कि नहीं होगा, इस एडमिशन हमारे मार्क्स के बेसिस पे, और हमें किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए मिनिमम कितने मार्क्स चाहिए। तो आपको यार हम बेसिक सॉल्यूशन लेकर आए हैं, मिशन सीयूटी एडमिशन काउंसलिंग प्लान, तो आप जो उसमें इनरोल कर सकते हो, ओनली फॉर 1499 रुपए में आपका कंप्लीट एडमिशन कराया जाता है, फुल कंप्लीट एडमिशन ओनली फॉर 1499 रुपए में, जिसके अंदर आपको 24 hours लाइव सपोर्ट के साथ में सारे के सारे कॉलेजों की काउंसलिंग प्रोसेस, मेरिट लिस्ट, एक्सेप्टेंट कट ऑफ सब कुछ प्रोवाइड किया जाता है, कि आपको किसमें अप्लाई करना है किसमें नहीं करना। डिस्क्रिप्शन के अंदर गूगल फॉर्म दिया गया, उसमें जरूर से अप्लाई कर सकते हो, व्हाट्सएप नंबर दिया गया उसमें आप अपनी क्वारी डाल सकते हो जो भी है, और हेल्पलाइन नंबर भी दिया गया है, ठीक है गाइस? और भी आपकी कोई क्वारी हो तो नीचे मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर से बता सकते हैं आप लोग। हेमवती गढ़वाल यूनिवर्सिटी में बहुत सारे बच्चे बीटेक के लिए एडमिशन चाहते हैं, बहुत सारे बच्चे फार्मेसी, बहुत सारे बच्चे मेनी मेनी इंजीनियरिंग एंड अदर कोर्सेज के लिए एडमिशन लेना चाहते हैं, बीबीए, बीएफए, बीवॉक, इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट, राइट? तो सारे के सारे बच्चे ऐसा कर सकते हो, ठीक है? वेबसाइट पर लगातार विजिट करते रहे, वैसे मैं वीडियोज वगैरह डालता रहता हूँ, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो बच्चा पार्टी। और भी कोई क्वारी हो तो मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बताना, और अगर आपको पर्सनल गाइडेंस चाहिए, क्योंकि यार बहुत सारे अगर मैं बात करूँ तो सभी बच्चों का एडमिशन हो पाना बहुत मुश्किल है। अब आपको बहुत सारे लोग कह के रखे होंगे कि आपका एडमिशन हो जाएगा नहीं होगा, तो आप जस्ट प्रॉपर गाइड ले सकते हो कि भैया हमारा एडमिशन होगा कि नहीं होगा, अगले साल के लिए प्रिपेयर करें, या फिर बाहर कोई प्राइवेट कॉलेज देखें, गवर्नमेंट कॉलेज देखें, एक्चुअल में हम करें क्या, राइट? तो उस डिसीजन के लिए आप सीयूटी गाइडेंस प्लान में एनरोल जरूर से कर सकते हो, ठीक है? थैंक यू सो मच, खूब पढ़ते रहो, धन्यवाद।